नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक गीजर की रिपेयरिंग का वीडियो लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये हाविल्स का गीजर है और ये 2000 वाट का गीजर है। इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए और बहुत अच्छी व्यवस्था, इसके रीसेट की व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है। इसके जो है लीड में भी ओवरलोड का ये दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट। हाँ, और ये जो है इसमें अब इसमें ELCB का ही ELCB दे दिया है, समझ लीजिए 30 मिली एम्पियर का, यानी बहुत ही मानक पे ये ELCB दिया हुआ। देखिए 30 मिली एम्पियर, मतलब एकदम मानक पे जितना चाहिए उतने ही मानक का ELCB इसमें सेट कर दिया इसके साथ ही, ताकि अगर इस गीजर में किसी भी तरह से कोई अगर जो लीकेज करंट अगर बहे तो मेन सप्लाई आपका ये बंद कर दे, तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें फॉल्ट क्या है, ये वर्क नहीं कर रहा है, केवल ये इंडिकेटर देख दिखा रहा है। अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सप्लाई में लगाया जा रहा है और हाँ, और यहाँ देखिए यहाँ ये इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन इसका कोई वर्क नहीं। हमने सीरीज में भी लगा के देखा था, यहाँ से कोई हाँ इस थर्मोस्टेट को घुमाने के बावजूद भी ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो आइए इसको खोलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें क्या और प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पेज दिया हुआ, इसको खोलना पड़ेगा। लीजिए सर, खोलिए। ये हमारे इंजीनियर साहब खोल रहे हैं इसको और अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या होता है, क्या है। और आप भी थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से इसको बना लेंगे। ये देखिए तो रजाई गद्दा सब निकल रहा साथ में, ये चलिए अच्छा व्यवस्था दिया हुआ है। अब इसके अंदर ज़रा हाथ रहिए, ज़रा दिखाएं। अब यहाँ देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा है। इसका मेन इमर्शन का ये पॉइंट दिख रहा है, दोनों जो रेड कलर का दिख रहा है ये मेन इमर्शन है। तो सबसे पहला प्राथमिकता होता है मेन इमर्शन को चेक करना, बाकी सब कुछ ठीक रह के क्या करेगा जब इमर्शन ही नहीं सही रहेगा। और लेकिन उम्मीद है इमर्शन इसका सही होना चाहिए, पर लगभग चांस ख़राब भी हो सकता है। आप सीरीज लगा के चेक कीजिए पहले इमर्शन, अभी सीरीज के द्वारा इसको चेक कराया जा रहा है। देखिए इमर्शन को आप देखिए दिख रहा है, इसको अभी हमारे इंजीनियर साहब चेक कर रहे हैं, चेक करके बताएँगे। हाँ, आप देख सकते हैं ग्लो हो रहा है, लगाइए ग्लो हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है, मतलब इमर्शन हमारा सही है। अब जब इमर्शन सही है, ठीक है, जब इमर्शन सही है तो बाकी इसमें थर्मोस्टेट हो सकता है इसमें ख़राब हो, या वायरिंग तो ख़राब होने का चांस दिख नहीं रहा है क्योंकि वायरिंग बहुत अच्छे क्वालिटी की है। और थर्मोस्टेट आपका ये तो इंडिकेटर के लिए वायर गया है, और थर्मोस्टेट का भी हम इस पूरी वायरिंग आपके सामने रख रहे हैं, बने रहिएगा। अब थर्मोस्टेट का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और चूँकि देखिए इसमें ओवरलोड यहाँ पे बाहर दे दिया, इसलिए ओवरलोड नहीं देगा, कुल थर्मोस्टेट है इसमें। अब बाकी में आप देखते होंगे कि उसमें ओवरलोड थर्मोस्टेट दोनों साथ में देता है, लेकिन इसमें थर्मोस्टेट है। तो देखते हैं, ये टाई लगा हुआ था, इस टाई को पहले काटना पड़ेगा, ये तब अलग होगा। देखिए ये अलग हो गया, अब इसको बाहर निकाला जाएगा और देखा जाएगा क्या है। एक थर्मोस्टेट इसमें एक है, डबल थर्मोस्टेट है, ये डबल थर्मोस्टेट ही है कि सिंगल टाइमर नहीं, ये थर्मोस्टेट ही है, ये दोनों थर्मोस्टेट है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे एक जो टाइमर व्यवस्था दिया हुआ है ऑन करने का, इसको भी खोला जा रहा है, बने रहिए। तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था इसका टाइमर, या ऑन आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टाइमर का ही मेन रूप से काम करता है ये। और इसमें एक रीसेट की व्यवस्था दी हुई है, यहाँ पे यहाँ से भी रीसेट हो जाएगा। मान लीजिए कभी ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाए, देखिए थर्मोस्टेट यहाँ जो दिया हुआ है इसका जो है सेंसर, अगर ज़्यादा सेंस करके यहाँ पर ज़्यादा हीट हो जाए किसी कारणवश,
तो यहाँ से ट्रिप कर जाएगी। ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं बटन, इसको पुश करना पड़ता है, चूँकि ये विशेष परिस्थिति के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसके अंदर डाला जाता है। ये कारीगरों के लिए रहता है, आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए इसने बाहर यहाँ पे दे दिया है। तो बहुत से लोग इसको लगा के भूल जाते हैं और ज़्यादा हिट होने के बाद ये ट्रिप कर जाता है। तो अभी तो इसको हम थोड़ा पुश किए हैं, अब इसके बाद देखते हैं सप्लाई देकर। तो सबसे पहले इमर्सन को हम लोग कनेक्शन दे दें, तब तो पता चलेगा कि क्या इसकी व्यवस्था है। और देखिए इमर्सन को हमने कनेक्शन दे दिया, अब इसके मेन पे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये सेंसर को साइड में कर दिया जाए, सीरीज से दीजिए। नहीं आया ये अभी भी नहीं, देखिए ग्लो नहीं कर, आपस में लगाइए, आपस में लगाइए, देखिए आपस में ग्लो कर नहीं बता रहा है। और इसको ऑन कीजिए, ऑन है, क्या थर्मोस्टेट ख़राब हो गया क्या? ऑन कीजिए, नहीं 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 कोई रिस्पांस नहीं। हाँ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और देखिए इमर्सन राड सही है, तो बीच में केवल ओनली थर्मोस्टेट बच रहा है, बाकी कुछ बच नहीं रहा है। तो सीधे सीधे तौर पे इसका थर्मोस्टेट हम लोग ख़राब घोषित कर सकते हैं। और देखते हैं आगे कुछ अगर हो सकता है, इसमें कुछ होने लायक निकलता है तो देखते हैं, आगे बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह थर्मोस्टेट का एक जग निकला हुआ था, इसलिए बता नहीं रहा था, लेकिन ये केवल रीसेट का प्रॉब्लम था, ओनली रीसेट का प्रॉब्लम था इसमें। अभी आपको हम इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि दे रहा है नहीं दे रहा है, और बने रहिए। अभी यहाँ कंटिन्यूटी लगाइए, देखिए ग्लो हो रहा है। तो अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अर्थ भी चेक कर लीजिए एक बार, अर्थ भी कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, मात्र इसमें रीसेट का प्रॉब्लम था, रीसेट ये इसको करना था। और किसी ये कस्टमर की एक गलती है कि जो कि इसको चला के छोड़ दिए, इस पर केयर नहीं किए होंगे। तो ये तो खैर एक काम तो हो गया, अब इसको इंस्टॉल करके आपको हम दिखाएंगे। और इसको सबसे पहले बांध लिया जाता है। हाँ तो देखिए दोस्तों कि इसका जो है ये टाइमर तो लग गया है थर्मोस्टेट का, पर ये जो थर्मोस्टेट का जो ये सेंसर है, तो इसको आप बहुत सावधानी से इसको निकालेंगे लगाएंगे अगर जो कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वायर नहीं, ये पाइप होता है, इसमें गैस भरी हुई रहती है। अगर ये पाइप कहीं से पंच हो गया, लीक हो गया, तो थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। इसको जब भी निकालें, जब भी लगाएं, बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाएं, लगाइए इसमें एकदम सावधानी पूर्वक, केयरफुली। हाँ तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये हमारा एकदम बस के रेडी हो गया है। और यहाँ पे एक जो है ये टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है एनालॉग टाइप में, जो कि बताता है कि टेम्परेचर किस पोजीशन में है, नॉर्मल है कि ख़तरे पे है। तो ये इसका सेटअप था, अब इसको लगा के अब दिखाते हैं आपको काम करता है नहीं काम करता, बने रहिए। पूरा खाली कर दे लिया टाइम, लग गई यार तगा बढ़िया तो जल्दी आप ले आटा बैठे के यार वो नहीं जा रहा है। हां हां, मतलब कि भी भरेगा तभी ना पूरा आएगा। भर गया? हां भर गया, और कोई ना आवे। ठीक है ठीक।